प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना आठवां पाठ गुरु मंत्र का पठन और व्याख्या करेंगे। तो ये हमारा जो आठवां पाठ है गुरु मंत्र, यह क्या है इसके बारे में बताता है। यह एक गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, मंत्र मतलब यहाँ पे उपदेश से है। यदि आपके घर में मेहमान तो आते ही, अगर मेहमान के रूप में आपका अगर गुरु आ जाता है तो इसमें क्या होता है, जो शिष्य होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। और यही एक प्रतिक्रिया जो है इस पाठ में हमें दी गई है। और इसमें जो गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात की गई है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और वे एक बार अपने किसी काम से वे पटना जा रहे थे। और रास्ते के समय, रास्ते में उस समय आपको पता है जो गुरु होते थे वे किसी अपने शिष्य के घर में रहा करते थे। उस समय इतने होटलों का भी प्रचलन नहीं था और ख़ासकर जो गुरु होते थे वे सादा जीवन जीते थे और उनके इतने हम कहेंगे शिष्य होते थे कि वे नहीं चाहते थे कि गुरु को कहीं और रहना पड़े। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ और इसमें जो नए शब्द आएंगे हम उनको भी नोट करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ का पठन से। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे, रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर हो। अब ये जमींदार कौन होता है, एक नया शब्द हमें मिला। जमींदार तो जमीन से जुड़ा है शब्द है जमीन। तो जमींदार एक हम कहेंगे एक संपन्न, एक धनी व्यक्ति होता है जिसके अधीन बहुत सारी जमीन होती है और वो किसानों को खेती करने के लिए ज़मीन देते भी हैं। और जमींदार उनका शिष्य था। शिष्य मतलब जो अपने गुरु के बताए मार्ग पे चलता है वे अपने गुरु का शिष्य कहलाता है। तो घटना बहुत पुरानी है। गुरु गोविंद सिंह पटना जा रहे थे। आपको पता है उस समय पहले संचार के साधन बहुत कम होते थे, लोगों को बैलगाड़ी या पैदल पे ही अपनी यात्रा तय करनी होती थी। और जब रात हो जाती थी तो उन्हें किसी ठिकाने की ज़रूरत होती थी, आश्रय की ज़रूरत होती थी। ऐसे में वे क्या करते थे, कहाँ रुकते थे, अधिकतर वे अपने शिष्यों के ही घर चले जाते। अगले दिन फिर से यात्रा शुरू करने से पहले आराम की भी आवश्यकता होती। तो गुरु गोविंद सिंह जी जिस रास्ते में उन्हें एक गांव मिला वे रुक गए। और उस गांव का जो जमींदार था वो उनका शिष्य ही निकला। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न रहा। तो जो जमींदार था वे भी खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत अधिक खुश होना, ये मुहावरा है। खुशी का ठिकाना न रहना इसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश हो जाना। कारण क्या था कि पहली बार उसके घर में पधारे थे और उसको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि गुरुजी तो बस अपने रास्ते जा रहे थे। रात होने पर विश्राम की जब ज़रूरत होती रात को तो आसपास कोई ठिकाना ढूंढते हैं। और हम कहेंगे इसमें जमींदार की किस्मत ज़्यादा अच्छी थी कि उसके गुरु उसके घर पे
पधारते हैं, आ जाते हैं। इस कारण से ये लिखा गया है कि जमींदार की खुशी का ठिकाना ना था, उसने कभी सोचा भी ना था कि आज मेरे घर मेरे गुरु आएंगे, इसलिए वह बहुत खुश था। और शायद पहली बार आए भी थे, इससे पहले कभी गुरु का उनके घर पे कभी आना भी ना हुआ था, शायद यही कारण था। वे काफ़ी खुश था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरु जी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार तो बहुत पैसे वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके गुरु उसके घर आए हैं, पहली बार आए हैं और अचानक से आए हैं, तो वह अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गुरु जी की सेवा सत्कार में जुट जाए ताकि गुरु को कोई कष्ट न हो। हर शिष्य चाहता है कि भाई अगर उसका गुरु उसके घर में आ जाए तो उसको खाने पीने के लिए पूछा जाता है, आप भी अपने घर में मेहमान को क्या करते हैं? सबसे पहले मेहमान के आने पर आप उसे प्यार से उसे अंदर ले आते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके बाद जो पानी या खाना के बारे में हम पूछते हैं। तो ठीक उसी तरह जमींदार का परिवार भी पूरी तरह से जुट गया था और वे गुरु की सेवा करके अपने आप को धन्य कर लेना चाहते थे। जमींदार हाथ जोड़े गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। तो जमींदार जो था वह गुरु जी के पास ही खड़ा था ताकि गुरु अगर उन्हें कोई आदेश देते हैं, कुछ मंगवाते हैं, पानी खाना, तो तुरंत उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसीलिए वे उनकी आज्ञा के प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा, शायद प्यास लगी थी। गुरु ने अपने शिष्य से एक गिलास पानी मांगा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ, गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। तो जमींदार ने तुरंत जो आदेश अपने पुत्र को दिया, जैसे ही गुरु ने उसे कहा कि उन्हें पानी की ज़रूरत है, एक गिलास पानी चाहिए, तो ये सौभाग्यवत किसे देना चाहता था? अपने बड़े पुत्र। कहते हैं कि जो सेवा होता है, गुरु की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, वह लोग अपने ना लेकर वह अपने पुत्र को देना चाहता था ताकि उसका भी भला हो। उसने तुरंत अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा जाओ अपने हाथ से गुरु के लिए पानी ले आओ, और याद रखना कि गुरु को जो सेवा करने का जो अवसर होता है वो तो भाग्य से मिलता है। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है कि गुरु तुम्हारे हाथ से पानी ग्रहण करेंगे, पानी पिएंगे, और इसलिए तुम भाग्य के धनी हो। बेटा दौड़कर गिलास से पानी ले आया। उसने गिलास गुरु जी की ओर बढ़ाया तो उनके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है, यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? तो जैसा कि आपको पता है, ये दौड़ करके जमींदार का जो बड़ा बेटा था वो एक गिलास में पानी लेके आता है और गुरु जी की तरफ आगे बढ़ा देता है। गुरु जी ने देखा कि अरे ये तो जमींदार का बेटा है, इसके हाथ तो बड़े सुंदर हैं, शायद इसने काम नहीं किया हो, उसने ऐसा कभी परिश्रम का काम नहीं किया होगा, क्योंकि पिताजी खुद जमींदार थे, घर में नौकर चाकरों की तो कोई कमी होगी नहीं, इसलिए उसके हाथ भी काफ़ी कोमल से लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। और गुरु जी ने उनसे एक प्रश्न भी पूछ लिया कि क्या तुम सबकी सेवा करते हो, कि आज पहली बार पिताजी के कहने पर मेरे लिए एक गिलास में पानी लेके आए हो?
या तुम सभी की सेवा करते हो, यहाँ पे सभी का अर्थ है सभी मनुष्यों की सेवा करते हो। और गुरु जी भी जानना चाहते थे कि मेरा जमींदार जो मेरा शिष्य है वो तो काफ़ी धनी है, और इसके पुत्र जो हैं क्या वे भी लोगों की सेवा करते हैं कि आज केवल मेरी ही सेवा के लिए वे पहली बार गिलास में पानी लेकर आए। इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज जीवन में पहली बार आपके लिए ही पानी लाया है, किसी और के लिए यदि कहा भी जाता तो यह कभी न लाता। तो जमींदार ने ही इसका राज खोल दिया, उसने गुरुजी को सब सच सच बता दिया कि ये जीवन में पहली बार अगर किसी के लिए पानी लाया है तो आपके लिए लाया है, वो भी मेरे कहने पर। और ये भी बात बता दी कि आज तक उसने कभी किसी को पानी नहीं पिला है, और अगर मैंने अगर कभी कहा भी होता तो शायद न पिलाता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और आपका जो पद है काफ़ी ऊंचा है, शायद ये सोचकर मेरा पुत्र दौड़े दौड़े आज पहली बार आपके लिए पानी लेके आया। अब चलते हैं अगले पेज पर। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए, वे बोले भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से ही पानी मंगवा दो, इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। गुरुजी गंभीर हो जाना, गंभीर मतलब चुप हो जाते, जब उन्होंने पहली बार सुना जमींदार ने सच बोला, कोई अपने गुरु से झूठ बोलता भी नहीं, उसने सच्ची बात बताई कि गुरु जी मेरे पुत्र ने पहली बार किसी के लिए, हम कहेंगे कोई सेवा का काम किया है, पानी पिलाने का नेक काम किया है, तो वो हैं आप, इससे पहले उसने कभी जीवन में किसी की सेवा नहीं की, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया है। ये सुनकर जो थे गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ बात हो रही, वे काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, उन्हें ये बहुत गंभीर व्यक्ति क्या होता है बोलना बंद करता है, सोचना शुरू कर देता है, और उन्होंने एक फैसला ले लेते लिया कि वे जमींदार के बड़े पुत्र के हाथ का पानी ही नहीं पिए। अगर कोई मेहमान आपके घर में आए और अगर आपके आपका दिया अगर पानी तक पीने से मना कर दे तो ये बहुत चिंता की बात होती है, गंभीर बात होती है। क्यों? यहाँ तक कि गुरु ने कहा कि आप किसी मामूली नौकर से, क्योंकि जमींदार थे उनके घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मामूली नौकर से पानी भिजवा देते तो मैं उसका पानी पी लूँगा, लेकिन मैं आपके बड़े पुत्र का के हाथ से पानी नहीं पीऊँगा। तो एक तरह से जब मेहमान ने मना कर दिया तो जमींदार का भी अपमान था, इसमें सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सबको एकदम हम कहेंगे आश्चर्य होता है, कारण क्या है। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा, आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। मतलब जमींदार फिर कहता है, इस पर विनम्रता से कहता है कि महाराज आप मेरे ही पुत्र के हाथ से पानी क्यों नहीं ग्रहण कर लेते, अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो वो धन्य हो जाएगा और आपकी सेवा करने का पता नहीं अब कब अवसर मिले, क्योंकि गुरुजी तो अचानक ही से गुजर रहे थे वहाँ से, और शायद रात को विश्राम का समय हो गया था तो अपने शिष्य के घर में रुक गए थे, अगला अवसर पता नहीं कब मिले या ना मिले, तो इस कारण से उन्होंने ये बात गुरुजी से कहा कि क्यों नहीं आप मेरे पुत्र को धन्य कर देते हैं, उसके हाथ से एक गिलास पानी लेकर। बेटा
पास में था, फिर क्या होता है, बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। तो अब गुरुजी ने बताया क्या था कि मैं, गुरुजी ने साफ कह दिया कि वे उसके बड़े बेपुत्र के हाथ का जो दिया गया पानी है वे कभी नहीं ग्रहण करेंगे या पिएंगे। कारण क्या था? उसने कहा, आपके जो पुत्र के जो हाथ हैं वो पवित्र नहीं है और मैं इस कारण से आपके पुत्र के हाथ से पानी नहीं पी रहा। अभी बात बड़ी अजीब सी लगी, पवित्र हाथ पवित्र नहीं है, जमींदार का बेटा और उसके हाथ कैसे अपवित्र हो गए, ये बात बेटे को भी समझ नहीं आई। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, मैं तो अच्छी तरह हाथ धो कर ही पानी लाया। तो जो जमींदार का बेटा था वे बात समझ नहीं पाया, वो क्या कहता है कि नहीं गुरुजी, मेरे हाथ एकदम साफ हैं, मैं आपको पानी देने से पहले मैंने अच्छी तरह से हाथ धोए थे और इसलिए आप कोई शंका मत करें, मेरे हाथ तो एकदम पवित्र हैं, साफ, पवित्र का अर्थ साफ है यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। तो अब इस पे गुरु समझाते हैं कि हाथ दूसरों की सेवा करने से ही पवित्र होते हैं, ना कि साबुन या धोने से, साबुन से हाथ धोने से ही नहीं पवित्र होते बल्कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे सेवा क्या का अर्थ है, लोगों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम दूसरे के हाथ, दूसरों की, दूसरे इंसानों की सेवा करेंगे तो हमारे हाथ पवित्र रहेंगे। साफ तो कोई भी हाथ साफ कर सकता है पानी से या साबुन से, तो जब तक तुम्हारे हाथ सेवा से पवित्र नहीं कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण करूँगा। तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैं करूँगा तुम्हारे हाथ का से भी जल ग्रहण करूँगा, लेकिन तुम पहले इन हाथों से सबकी सेवा करो। यहाँ सबकी सेवा मतलब सभी मनुष्यों की, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, उसका भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो जमींदार की बेटे की आंख भर आई, उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। तो जमींदार के बेटे को समझ आ गया कि हाथ साफ और पवित्र होने में क्या अंतर है। साफ तो पानी से किया जा सकता है, लेकिन जो है पवित्र तभी हो सकता है जब हम उस हाथ से हम बिना भेदभाव के सबकी सेवा करें, न कि किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की ही सेवा करें या अपने माता पिता की ही सेवा करें, ऐसी बात नहीं। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, हमारे जो हाथ दिए गए हैं वे सबकी सेवा के लिए ही बने, न कि किसी खास या अपने घर वालों के सेवा करने के लिए बने। तो ये बात जमींदार के बेटे को समझ आ जाती है कि परोपकार करने से, दूसरे मनुष्यों की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और हाथ साफ तो पानी से भी धोके हो जाते हैं। तो ये अंतर उसे समझ आता है कि साफ हाथ और पवित्र हाथ में क्या अंतर होता है। और सिख धर्म में भी कहा गया है कि मनुष्यों की सेवा की जाती है। आपने ये अनुभव किया होगा कि गुरुद्वारे में बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे किसी धर्म का हो, उसको खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है तथा सेवा की जाती है। तो यही इस पाठ का हमें, हम कहेंगे जमींदार के जो पुत्र को है गुरु मंत्र मिल जाता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और ईश्वर ने शायद इसीलिए हमें ये दो हाथ दिए हैं ताकि हम दूसरों की भी सेवा कर सकें। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और आज हमने इसका पठन और व्याख्या किया है। तो आज का आपका गृह कार्य है, इस पाठ का कम से कम दो बार पठन अभ्यास करेंगे। और आज के लिए बस
इतना ही शेष हम कल करेंगे।